दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई की वजह से आम आदमी पिसता जा रहा है, लेकिन देश की सरकारों द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से जमाखोर चांदी कूट रहे हैं और आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। लोगों को आ रही इस परेशानी के चलते आज आम आदमी पार्टी द्वारा मोर्चा खोला गया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के वर्करों द्वारा शहर के वाल्मीकि चौक में पंजाब सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस संबंधी जब आम आदमी पार्टी के वर्करों के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन देश के हुक्मरान विदेश दौरे में व्यस्त हैं। इस मौके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश की सरकारों के आगे अपील करते हुए कहा कि महंगाई पर किसी तरह रोक लगाई जाए ताकि आम आदमी आराम की जिंदगी जी सके। देखो, एक तो पंजाब सरकार दियां वधीकियां ते वाधी महंगाई ते मोदी सरकार खिलाफ भी दे रहे हैं, कैप्टन सरकार खिलाफ भी दे रहे हैं। इस वेले सारी जनता जिहड़ी आ महंगाई दे थल्ले इन्नी दबी गई आ कि उन्होंने अपनी रोटी पानी दे भी लाले लगे आ, काम काज कोई नहीं गा, नौजवान बेरोजगार तुरे फिरदे आ। इत्थे साडे विच बंदे दो जड़े आ एम टैक कीती होई जड़े इत्थे दिहाड़ी करन आए आ उह साडे विच बैठे आ। प्याज 100 रुपए किलो करता आप मोदी जड़ा इन्नी रौली पाउंदा सीगा, जदों 50 रुपए किलो होया सीगा उदों कहिंदा सी ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हुण 100 रुपए किलो गंढे करके तो आप विदेशों की सैर करता आ। इत्थे जनता मरन रही आ, डीजल पेट्रोल दे इन्ने रेट आ, आम किसान लई आम जनता लई कितने अपने पौना वह भी बहुत औखा आ। फिर जिहड़े कहिंदे सी नौकरियां 1.5-2 लाख वह भी कोई नहीं दित्ती। पंजाब सरकार ने बिजली दे रेट इन्ने वधाते आ भी आम जिहड़ी मिडल क्लास आ वह मरदी जा रही आ। इन्ना कुछ इन्होंने किया और होर इन्होंने कर रहे कैप्टन सरकार भी जेडे बिजली दे रेट नवे साल च मुड़ के फिर वधा रहे होर 17% जेडे आ वह बिजली दे रेट होर वध रहे आ, जेदे नाल मिडल क्लास का कचुंबर निकल जाएगा। दालां दी इन्नी महंगाई देख लो, जीरा काली मिर्च ईवन इतों तक हो गया कि जोड़ा 1% नहीं 1000% जोड़ा वो उपर चल गया रेट उन्होंने, जिते 100 रुपए किलो से 1000 रुपए किलो चीज़ मिल रही आ। मैं तो मोदी सरकार को यह दसना चाहना भी ये जड़े सारे अज आम आदमी पार्टी आम लोग आ इन्हों कहे दा कोई 2 नंबर के काम नहीं चलते, ताडे वांगना 16-16 हज़ार करोड़ एक साल में नहीं वधदे। इस करके तुसीं बाज आ जाओ, जनता नूं इतना ना मारो। लंचिंग इत्थे हो रही है हिंदुस्तान च, धर्म के नाँ के उत्ते जनता नूं ठगिया जा रहा, वढ़िया जा रहा, कई कुछ किया जा रहा। इस करके सरकार नूं चेतावनी आ कि ये जिहड़ा ये खेड खेड रहे हो इस नूं बंद कर दिओ, वरना तुहानूं इहदे अफजाने भुगतने पैणगे। आम आदमी पार्टी अज असीं आम आदमी पार्टी के सारे वॉलंटियर डिस्ट्रिक्ट पठानकोट एकत्रित होए हाँ। अज साडा मुद्दा यही है जो पंजाब सरकार ते साडी सेंटर दी सरकार मिल के इन्होंने जो लुट कसुट्टी पाई हुई ने, तुसी देख सकते हो कि प्याज दे रेट कित्थे चल गए है, डीजल पेट्रोल हर कुछ महंगा हो रहा है। तो आप कुछ साल पहले की गल करिए जो मोदी जी इन्ना रौला पाते थे कि हाँ जी 50 रुपए 60 रुपए गंडा हो गया, तो अज जो 150-150 रुपया छू रहा है प्याज तो पेट्रोल डीजल दे पता ही नहीं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੂਮੈਨ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ
ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵਧਨੇ 17% ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ GNU ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸੇ ਨਿਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।